रियल डाल दे। हेलो महाराज, ये ट्रक में एक ही चीज की कमी है कि वाहिगुरु। ये होता है इसका विंडशील्ड वाटर, जो शीशे के ऊपर जाता है ना, वेपर से निकलता है यहाँ से। और पैकर की मोटर है देखो, और ये इसका पूरा इंजन है। इंजन के बारे में तो पूरा विस्तार आपको बता नहीं सकता। यहाँ पे लॉक लगा होता है हुड का, और जब इसको बंद करना होता है ना, तो इसको ऐसे करते हैं और यहाँ से प्रेस करते हैं। वो जो ऊपर लाइटें चल रही है ना, उसको बोलते हैं मार्कर लाइट्स। और ये होती है इसकी फ्यूल टैंक, एक इस तरफ लगा होता है, एक उस तरफ लगा होता है। तो मेरे हाथ में दस्ताने देके परेशान मत होना, बिकॉज आज ठंड थोड़ी ज्यादा है, बाहर नंगे हाथों से हम काम नहीं कर सकते। 5 से 10 मिनट में पूरा फ्रीज हो जाऊंगा, मेरा मुंह जो है ऑलरेडी फ्रीज हो रहा है। तो ये क्या होता है, ग्रॉस व्हीकल वेट 80,000 LB और ग्रॉस व्हीकल वेट 63,500। ये दोनों चीजों का वेट जो है ग्रॉस में 63,500 kg से ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर इसके पास में एक ट्रेलर और भी डालते हो तो भी, जितने मर्जी चीजें इसके पीछे डाल लो, लेकिन 63,500 के ऊपर आप कनाडा में नहीं लेके जा सकते। हेलो भाई साहब, जो फ्यूल टैंक होता है ना, इस तरह वाला 400 लीटर का, उस तरह वाला भी 400 लीटर का। ये आगे पीटर बेल्ट। तो ये होता है इंजन हीटर। अगर आपके पास में गर्म रखने के लिए कोई जुगाड़ नहीं है, तो इस पे आप वायर लगा सकते हो यहाँ पे, ये देखो। और ये होती है डेफ। तो डेफ का मतलब भी आपको आज समझाता हूँ, डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड। कनाडा में, अमेरिका में भी कुछ स्टेट्स में और कनाडा में रूल है, रोड के ऊपर आप बिना डेफ के नहीं चल सकते, क्योंकि मालूम नहीं कौन से ईयर के बाद में पूरे ट्रकों में डेफ का सिस्टम आ गया। डेफ है जो इंजन का काला धुआं होता है, डीजल इंजन जो निकालते हैं, ये डेफ जो है ना उसको दबाती है। ग्लव्स में भी हाथ जो है ना सीत हो रहे हैं पूरे। तो जल्दी से खत्म करते हैं इसको। और ये एक टैंक इधर लगा होता है डीजल वाला, ये दूसरा टैंक का ढक्कन है। ऐसा लगता है ना जैसे ये जहाज वाला बॉक्स होता है, जहाज वाला। ओ हेलो हेलो, कहाँ चल गए, इस तरह से दिखाना है यार। तो जहाँ पे अपना पूरा स्टॉक पड़ा होता है, वो सामने चेन पड़ी हुई है बाल्टियों में। ये है कूलर की कैनियाँ, ये विंडशील्ड वाटर की कैनियाँ, ये टूल किट है, ये सिलेंडर है अगर कहीं पे आग लग गई, ये अपनी रॉड और पुलर पड़ा हुआ है। ये पुलर आपको मालूम है ना किस काम के आता है, और रॉड का भी आपको मालूम है। ये फर्स्ट एड किट है, और ये लगा हुआ है जो इंजन पीछे चल रहा है ना, मैंने उस तरफ आपको दिखाया छोटा इंजन, ये इसके साथ में कनेक्ट है। तो ये यहाँ से पाइप लगी हुई है, अंदर जा रहा है, अंदर जाके ट्रक में हीट दे रहा है। वो सामने ऊपर अपना बेल्ट लगा हुआ है। ये इमरजेंसी डोर भी है, अगर वो प्रॉब्लम हो जाए तो आप यहाँ से अंदर घुस सकते हो। और ये देखो ट्रक के पीछे ये जगह खाली होती है, ये वायरें लगी होती है जो ट्रेलर को जाती है। ये इसका रीफर है, यहाँ पे इसके टेम्परेचर वगैरह सेट कर देते हैं हम सब कुछ, कितना टेम्परेचर चाहिए, अगर ठंडा चाहिए ठंडा भी करेगा, अगर हीटर चाहिए हीटर भी करेगा। उसके बाद में ये इसके लैंडिंग गियर होते हैं, इसको उतारना पड़ता है ट्रक के नीचे। ये जो चीज है ना, ये लगी होती है कन्वर्टर हुक करने के लिए हुक, और ये जो दो राड है ना, अगर कन्वर्टर की हुक इस तरफ या उस तरफ हो जाती है ना, जिसको जिसको भी ये चीज का मालूम करना है ना, ये अपना पहले वाला ब्लॉग देखो जहाँ पे मैंने पाइक बनाई थी। और ये देखो ठंड का लेवल देखो, अगर कन्वर्टर में हवा नहीं है तो इससे कनेक्ट करते हैं, इसको घुमाते हैं, ये देखो। ये होते हैं ट्रक के एयर बैग, जो सबसे स्टार्टिंग वाला आपने सीन देखा था ना, जहाँ पे ट्रक ऐसे उठ गया था। पीटर बेल्ट में ये फंक्शन है, जब भी हम इसको रात को बंद करके जाते हैं ना, इसके जो एयर बैग है अपने आप डाउन हो जाते हैं। जब सुबह होकर इसको स्टार्ट करते हैं, फिर ऐसे आराम से एयर बैग ऊपर जाते हैं, जैसे ना लग्जरी सिस्टम होता है पूरा। तो वो तो आपको मालूम है फिफ्थ व्हील है, जिसमें ट्रेलर हुक किया होता है। फिफ्थ व्हील हुक करने के बाद में ना, हमको यहाँ देखना होता है दोनों के बीच में, अगर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सेंटर में देखो, ये सेंटर में दो जॉज है, ये देखो ये। बहुत दिनों से कोशिश कर रहा था कि आपको पूरा ट्रक और ट्रेलर का टूर दे दूं, लेकिन टाइम ही नहीं लग रहा था। ये है इसका सिस्टम, हवा पानी, इसमें तेल होता है डीजल। ये स्टपनी भी लगी हुई है, इन केस हमने को जरूरत पड़ती है, स्टपनी अपने काम आ सकती है। ये देखो इस बॉक्स के अंदर हवा होती है पीछे वाले ट्रेलर की। मैंने कई बार अपने वीडियो में जिक्र किया होगा ना, अंदर एक गेज लगी होती है जिससे हमने वेट देखना होता है कितना वेट है। मेरा ग्लव्स गंदा हो गया यार, ये देखो ये क्या बना हुआ है, लेकिन ये टायर को नुकसान नहीं करेगी, ये बहुत सॉफ्ट होती है। और वो जो गेज होती है ना, उसे हम ट्रेलर के टायर के ऊपर कितना वेट है वो हम मालूम कर लेते हैं।
और ट्रेलर के पीछे आपको मालूम है अभी सील लगी हुई है, लोड बंद है, ऊपर देखो पूरा स्नो से कवर है, और ये लगी होती है ट्रेलर की हुक, इसमें आगे कन्वर्टर यहाँ पे लग जाता है और फिर पीछे, मालूम है यार आपको, मालूम है मैं क्यों बता रहा हूँ, इतनी वीडियो बना दी हमने बाइक के ऊपर, अभी भी अपने को मालूम नहीं पड़ेगा, अपनी फैमिली के मेंबर को हर एक को मालूम है कैसे बाइक बनती है, कैसे कैसे ट्रेलर जोड़ते हैं, अगर फिर भी कोई मेंबर नया आया उसको नहीं मालूम है, जाओ अपने चैनल के ऊपर जाओ, पाइप लगाया हुआ है लेकिन पाइप के पास में ही रुकना पड़ता है जब भी आपको मालूम है पंप के ऊपर आते हैं, डीजल डालने के पहले ये छोटा वाला इंजन लगा होता है मेरे ट्रक में, देखो अभी ट्रक बंद किया, जब भी ट्रक बंद करूंगा ये स्टार्ट हो जाता है, तो सबसे मेन चीज क्या है, मैंने सोचा पहले डीजल डाल लेते हैं, आपके सामने ये स्टार्ट हुई थी ना ये वाली मोटर है, सी एट दिस, इसको बोलते हैं ट्राई पैक और रेग मास्टर, दो चीजें बोलते हैं इसको, जब भी ट्रक बंद होता है ऑटोमेटिक इसका सिस्टम ट्रक के साथ में ये स्टार्ट हो जाती है, कितनी भी ठंड पड़ रही है ये ट्रक को हीटर भी देगी, बैटरियों को चार्ज भी रखेगी, ऑयल भी गर्म रखेगी, और ट्रक के अंदर जो हम सोए होते हैं अंदर कहाँ से हीट निकलती है इसकी वो भी आपको दिखाऊंगा, तो ऐसे अपना ट्रक जो है ना वो कितनी भी ठंड पड़ रही है कहाँ पे भी है बाहर, तो अगर हमको वायर मिल जाए हीटर लगाने के लिए तो फिर तो हम वायर लगा लेते हैं, लेकिन अगर हीटर लगाने के लिए वायर नहीं मिलती तो फिर इससे ही काम चलाना पड़ता है, जिनके पास में ये नहीं होता उनके पास में दूसरा सिस्टम होता है, जो कस्केडिया के फ्रेट रनर ट्रक होते हैं ना उनमें ऑटो स्टार्ट की ऑप्शन होती है, वो अपने आप स्टार्ट हो जाते हैं जब ज्यादा ठंड पड़ती है, मैंने पहले किसी वीडियो में वो चीज आपको बताई है, तो ट्रेलर का काम होता है लोड को बचा के रखना, हमारा काम होता है सुबह उठ के अपना ऑयल पैनी चेक करना, किसी भी चीज की प्रॉब्लम आती है तो आपको जो आपका ट्रक है ना आपका ट्रक आपको साइन देगा कि मेरे को ये प्रॉब्लम आ गई है, ये जो है ना नए मॉडल जो आए ना अभी उसमें आधा रह गया, ये आधा इतना और दोनों तरफ बन गया, इसके एक ही तरफ है, बहुत दिनों से ट्रक लेके घूम रहे हैं ना, बहुत सारा सामान था जो मिल नहीं रहा था ट्रक के अंदर का, अभी तक नहीं मिला, तो मैंने सोचा चलो ज्यादा लेट हो रहे हैं ट्रक टूर दे देना चाहिए, पूरी अपनी फैमिली को बता देना चाहिए कि कौन सा ट्रक इसमें क्या क्या फैसिलिटीज है, सब आज आपको बता दूंगा, सबसे बड़ी फैसिलिटी बताई ट्रक जो है ना -40 हो 50 हो स्टार्ट कैसे रहता है, उससे स्टार्ट होता है वो जो है ना ट्रक को ब्लॉक हीटर देता है, ब्लॉक हीटर जो होता है ट्रक का उसको गर्म रखता है, सुबह जब हम सलम मारते हैं तो स्टार्ट हो जाएगा, कहीं भी खड़े हैं हमको तार की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं तो लेकिन ऑब्वियसली हम यार्ड में खड़े होते हैं तो हमको तार लगानी पड़ती है, लेकिन ऑटोमेटिक सिस्टम है जब भी ट्रक स्विच ऑफ करेंगे वो पीछे से स्टार्ट हो जाएगा, मोटर है छोटी तो ख्याल रखना पड़ता है, उसकी भी सर्विस होती है, वो बहुत कम डीजल खाता है, इसको पूरी रात स्टार्ट रखेंगे, आइडलिंग है, डेप वाला ट्रक है, प्रॉब्लम हो जाएगी, ठंड बहुत ज्यादा है लेकिन करेंगे मेहनत करेंगे आपको बताएंगे पूरा, ये हो गया ट्रक के बाहर का टूर, अभी अंदर का जो टूर है कोई भी प्रॉब्लम होती है ज्यादा ऊंचा सांस भी लोगे ना आप तो स्क्रीन के ऊपर मालूम पड़ जाएगा आपने सांस ली है, और कुछ बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है तो कंपनी को ईमेल जाती है कि आपके ट्रक में क्या प्रॉब्लम हो गई, लेट्स गो अंदर का जो टूर है ना, और रात को लाइटें जगा के सब तरफ लाइटें लाइटें होंगी, तब आपको पीछे लेके जाऊंगा अपने सोने वाले आरामगाह में, और आगे वाले ट्रक के पूरे फंक्शन बताऊंगा, जिस लाइट की रोशनी में हम बात कर रहे हैं ना उस लाइट के बारे में तो मैंने बाहर से बताया नहीं, इसको बोलते हैं यूटिलिटी लाइट, इसका स्विच कहाँ पे है आपको अंदर मालूम पड़ेगा, जब रात को ट्रेलर रिवर्स करना होता है या पाइक बनानी होती है या ट्रेलर हुक करना होता है ना ये लाइट की यूज होती है, और जब हमको रात को वीडियो बनानी होती है तब भी इसी लाइट की जरूरत पड़ती है, लाइट यहाँ पे लगी होती है तो जब मैं यूटिलिटी लाइट बोलूंगा तो आपको मालूम पड़ेगा, अभी ट्रक की थोड़ी सफाई कर लेता, देखो कितना कचरा है, देखो दो मिनट दियो बस सफाई करता हूँ फिर आपको यहीं पे सीधा मिलता हूँ, वो ट्रक का टूर करते हैं, हाँ जी लाइट कैसी है, लाइट का सिस्टम बताओ, अगर पहले वाला शॉर्ट अच्छा लगा है तो अभी तक तो लाइक ठोक देना चाहिए भाई साहब, ठोक देना चाहिए, ये हमने लगाई है टेम्पररी लाइट, लेकिन यहाँ पे है अपने ट्रक की लाइट और यहाँ पे है स्लीपर की लाइट इसको बंद करूंगा ना तो मेरा चेहरा ठीक रहेगा, तो ट्रक का टूर देना कौन सी आसान बात है यार, बहुत मुसीबत वाला काम है, लेकिन मैंने सोचा था रात को दूंगा तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा, तो आई थिंक आपको अच्छा भी लग रहा होगा, लाइट का प्रोग्राम हमने पूरा किया हुआ है, तो सबसे पहले टूर शुरू करने से पहले एक चीज नोट कर लो, जब मैं ये सीट से उठूंगा तो उठ के बैठूंगा तो मेरा लेवल देखना ऊपर होगा, टोपी भी सही करनी पड़ेगी यार, ये सीट है ना बहुत ही कंफर्टेबल है देखना,
ये गई नीचे, देखो नीचे जा रही है, लेकिन जब मैं इसके ऊपर बैठूंगा ये वहां पे ही आके एडजस्ट हो जाएगी, यहाँ पे थी। तो दिस इज द वेरी गुड पार्ट ऑफ दिस। अभी आ जाओ इस तरफ, तो यहाँ से शुरू करते हैं। लॉक यहाँ से होगा, अनलॉक यहाँ से होगा, और ये हो गए दोनों शीशे, ये देखो, और ये हो गया बाहर वाला जो मिरर होता है ना वो, उसको अगर लेफ्ट वाला मूव करना है तो लेफ्ट साइड पे करके, ये सेंटर वाली स्क्रोल होती है ना, स्क्रोल से लेफ्ट राइट जा सकते हो, राइट करना राइट वाला। ये होती है मिरर की हीट, अगर आपका मिरर जो है ना उसके ऊपर अगर भोग आ रही है या स्नो जम रही है तो उसको बोलते हैं मिरर हीट। तो उसके बाद आता है, ये आता है हेडलाइट की, ये होगी एक नंबर, और ये होगी सामने फ्रंट लाइट। देखो ये यूटिलिटी लाइट है, ये स्पेयर स्विच है, और ये वाला स्विच है ना ये निकल गया था यहाँ से, ये अपने पास है, इसको यहाँ पे फिट कर देते हैं। ये स्विच है, ये देखो सामने, ये ऊपर वाली भी। तो ये होता है टेस्ट करने के लिए, अगर आपको सारी लाइटें टेस्ट करनी है इसको दबा दो, ये सभी लाइटें चलेगी, इससे फ्लैशर भी चलेंगे, पीछे वाली मार्कर लाइट सभी एक एक बार चल के चेक हो जाएगी। और ये होती है मीटर की लाइट, तो मैं इसको देखो कम करूंगा, ये पूरे जो है ना मीटर ऐसे इससे ज्यादा कम होते हैं, ज्यादा होते हैं, देखो मीटर की लाइटें भी कम ज्यादा हो जाती हैं। और सामने ये जो मीटर आ जाते हैं ना, तो मीटर पे चलते हैं अभी। तो ये होता है डीजल टंकी वाला, ये होता है डेप वाला, डेप मैंने आपको बता दी, ये होता है कूलेंट वाला, ट्रक गर्म कितना हुआ है, और आरपीएम वाला मीटर होता है। ये सामने मेरी स्पीडोमीटर आ रही है, स्पीडोमीटर, ये भी स्पीडोमीटर है, ये मैनुअल है, ये डिजिटल है। यहाँ पे टाइम भी आता है, ट्रिप कितना चला दिया, ट्रक मेरा चला हुआ है 6.5 लाख, 6.5 लाख पे मैंने पकड़ा था, अभी 6.70 हो गया। ये न्यूट्रल पे अभी गियर न्यूट्रल है, ये एक नंबर टैंकी का, ये दो नंबर टैंकी का, ये प्राइमरी और ये सेकेंडरी। प्राइमरी होता है मेन, सेकेंडरी होता है जो ये चेयर में हवा आती है, दूसरी चीजों में हवा जाती है, ये होती है ऑयल का प्रेशर। तो कूलर की प्रॉब्लम हुई थी, यहाँ पे सिग्नल आता है, अगर कोई ट्रक में प्रॉब्लम होती है यहाँ पे सिग्नल आते हैं, यहाँ पे सिग्नल आते हैं, एवरी जगह सिग्नल आते हैं। और ये जो गोल चक्कर है ना ये वाला, इससे हम मीटर की पोजीशन चेंज करते हैं, देखो मीटर पे चेंज हो रहा है। अगर कोई वार्निंग और फॉल्ट आता है तो यहाँ पे अपने को मालूम पड़ जाता है कि हाँ वार्निंग और फॉल्ट है। उसके बाद आ जाता है, ये होता है फोर वे फ्लैशर, और ये होता है मैनुअली पंखा। अगर कभी कभी आपको लग रहा है कि इंजन का पंखा नहीं चल रहा, आपका ट्रक जो ओवर हीट हो रहा है, तो ट्रक का पंखा अपने आप चलने लगेगा और ट्रक ठंडा कर देगा। यहाँ से इंजन ब्रेक ऑन होती है, देखो मीटर पे देखना, मीटर पे बंद हो गई, और ये उसके लेवल होते हैं। अगर इस तरफ रखेंगे एक लेवल है, ये दो हो गया या तीन लेवल, कितनी ब्रेक आपको लगानी है उसके हिसाब से। और ये होता है फ्रंट एक्सल, ये होता है रेयर एक्सल का कि कितना गर्म हो गया है वो। ये होता है फिफ्थ व्हील का गेज कि ये होता है, इससे हम देखते हैं कि अगर 70 के ऊपर सुई है तो इट मीन्स कि 17,000 वेट है, तो यू आर गुड टू गो ऑन रोड। और ये ऑयल का टेम्परेचर होता है। ये होता है टर्बो की पावर, कितना टर्बो पावर लगा रहा है। और ये होता है ब्रेक अप्लाई, कितनी जोर से हम ब्रेक मारते हैं, ये सुई ऊपर जाती है और चढ़ के बताती है कि आपने इतनी प्रेशर से ब्रेक लगाई है। रेड में रखोगे इस तरफ 84 पे तो ये हीट है, अगर लेफ्ट पे कर लोगे तो एसी हो जाएगा। और ये कहाँ पे हीट आपको हो जाएगी, ये नॉर्मल चीजें हैं। ये होता है ट्रैक्शन कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल मैंने आपको डिटेल में बताया था, अगर हम लगा लेते हैं तो ट्रैक्शन ज्यादा हो जाती है। और जो उसके साथ में ये वाला स्विच है ना, ये होता है एचएसए ऑफ। इसे क्या होता है, जब पहाड़ी के ऊपर खड़े हो इसको लगा देते हो तो ट्रक जब हम चलाते हैं तो बाद में स्लिप नहीं निकालता, आराम से उठता है। ये स्पेयर है, ये भी स्पेयर। ये होता है डेप, जब डेप में कचरा आ जाता है ना, रीजन पे लग जाता है, इंजन रीजन के ऊपर लगता है और कचरे को साफ करता है बहुत तेज तेज चल के, तो इसको बोलते हैं मैनुअली डिसेबल करना। अगर वो चल जाता है, अगर आप रोड के ऊपर वो काम कर रहे हो तो इसको डिसेबल कर सकते हैं। ये होता है एयर डंप सिस्टम, जब भी हम ट्रेलर ड्रॉप करते हैं, जब एयर बैग डाउन करके हम ट्रक को ट्रेलर के नीचे से निकालते हैं तो इसको दबाते हैं, फिर ये यहाँ से हवा लीक करता है। अगर हम इसको दबाएंगे तो यहाँ से ये मीटर खींची आना शुरू हो जाता है और हवा निकल जाती है, फिर जो लैंडिंग गियर होते हैं नीचे लग जाते हैं, हम अपना टाइटर नीचे से निकाल लेते हैं ट्रेलर के। तो ये होता है अगर आपको फिफ्थ व्हील मूव करना है, ऐसे ऐसे करना है, कभी कभी जरूरत पड़ती है, ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। इंटरएक्सल होते हैं, ये होते हैं इसके चारों चक्के, ये देखो ये क्रॉस लगा हुआ ना, चारों एक्सल का आपस में लॉक लग जाता है, तो ये काम आता है स्लिपरी के टाइम में। और यहाँ आता है अपना गियर बॉक्स, बिकॉज ये बहुत अच्छा है, बहुत दिखने में अच्छा लगता है। ये हमारा ब्लूटूथ भी बूढ़ा हो गया यार। यहाँ पे न्यूडल है, ड्राइव है, कार की तरह ही है। यहाँ पे मैनुअल है और लो गियर भी है इसमें। और ये है यहाँ पे, अगर आप ग्लास रखना है तो ये ऐसा क्लिक करो तो ये बाहर आएगा, आप इसमें ग्लास टिका सकते हो। यहाँ पे भी ग्लास होल्डर है, ये भी ग्लास होल्डर है। यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट लगे हुए, एक ये लगा हुआ है, एक ये चार्जिंग पॉइंट लगा हुआ है। ये ट्रक की ब्रेक है येलो, ये ट्रेलर की ब्रेक है रेड। अभी आ जाते हैं स्टेरिंग के ऊपर। यहाँ पे अगर आप कोई चीज यहाँ पे सुन रहे हो तो उसकी वॉल्यूम कम करने के लिए, ये क्रूज कंट्रोल ऑन ऑफ, और ये होती है ट्रेलर की ब्रेक इन मॉडल में। यहाँ से राइट साइड में खींचोगे, खींच के छोड़ोगे तो ये ट्रेलर की ब्रेक है।
ये मेरा ट्रक जो है ना 6.5 लाख ऑलरेडी चला हुआ है, अपने लिए तो नया ही है यार। और ये जो नए मॉडल है ना, नए मॉडल में ये सिस्टम चेंज हो चुका है, ये जो गियर बॉक्स है ना उठा के यहाँ पे लगा दिया है, जैसे अपने पहले ट्रक में कैस्केडिया में था ना वो हाथ के ऊपर लगा दिया, लेकिन मेरे को ये ज्यादा अच्छा लगा यार। अभी चलते हैं ऊपर की तरफ। ऊपर क्या है, ऊपर ज्यादा कुछ नहीं, यहाँ पे भी आप सामान रख सकते हो, यहाँ पे मैंने पानी वाली बोतल रखी हुई, वहां पे भी आप सामान रख सकते हो, वो सामने उस तरफ भी आप सामान रख सकते हो। ये नीचे भी एक बॉक्स लगा हुआ है, इसको हम ओपन करेंगे तो इस पे भी आप सामान रख सकते हो। देखो ये ट्रक की एक और खासियत मेरे को याद आ गई कि ये अपने आप लॉक नहीं होता। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि मैं बाहर रह गया था कैस्केडिया में फ्लैट रनर में और लॉक लग गया था अपने आप, फिर हमको चाबी नहीं मिली थी, इसका ये फंडा नहीं है, ये चाबी से ही लॉक होगा बाहर से। तो अगर आपका हाथ लग भी जाता है लॉक वाले स्विच के ऊपर तो ये अपने आप लॉक नहीं होता, जब आप बारी खोल के फिर बंद करोगे ये अनलॉक हो जाएगा, जब तक आप चाबी से बाहर से इसको लॉक नहीं करोगे ये लॉक नहीं होगा, ये मजे वाली बात है। और ये ब्लूटूथ लगा हुआ है, ब्लूटूथ तो आप फोन जो है ना वो उसमें भी सुन सकते हो। ये देखो ब्लूटूथ की ऑप्शन है, हाईवे हॉर्न होता है ना, हाईवे हॉर्न, ये हाईवे हॉर्न लगा हुआ है। तो ये हो गया आगे वाला पार्ट, आगे वाले पार्ट में पूरे फंक्शन मैंने आपको बता दिए। ट्रक में और भी छोटे मोटे थोड़े बहुत फंक्शन होंगे, लेकिन ज्यादा जरूरी यही फंक्शन थे, कौन सा स्विच कैसे काम करता है। ये है पैकर और इसकी 455 मोटर है, पीटरबिल्ट 579 पैकर की मोटर है, इसमें कैट की मोटर भी आती है, कैट की अभी बंद होगी, अभी मोस्टली कमिंस की मोटर आती है, कैट कमिंस में चेंज हो गया, तो पैकर भी अच्छा है कमिंस भी अच्छा है। राइड मेरे को पहले मेरे को लगा था कि ये मुश्किल होगी राइड, लेकिन अभी थोड़ा आसान लगने लगा। ओ यस, तो ये है हमारा आराम का, वाह 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 वाह, क्या कंफर्टेबल चीज है। ये कोई बॉक्स नहीं है, जिसके पीटर बेल्ट में ये वाला बॉक्स है, इसका भी बड़ा काम है। हेलो महाराज, यहाँ पे इस तरफ देखो, तो ये लगी हुई है लाइट अपने मुंह के ऊपर, तो मालूम नहीं इससे अपना मुंह दिख रहा है या नहीं दिख रहा। अभी नीचे कैसे आऊं यार, ऊपर तो मैं चढ़ गया। तो पहले नीचे उतरने का प्रोग्राम करते हैं। कंफर्टेबल है बेड, ये बेड के ऊपर ना बेड बिल्कुल नया था, तो ये देखो पूरा पॉलिथीन लगा हुआ है, पॉलिथीन उतार दिया था बिकॉज अगर पॉलिथीन रहता तो उसके ऊपर ना स्लिपरी बहुत रहती थी, जब रात को सोते थे ना तो मालूम नहीं किस तरफ चले जाते थे, कभी उस तरफ कभी इस तरफ। ये जो है ना यहाँ पे पीटर बेल्ट लिखा हुआ है, लेकिन इसका एक और सिस्टम है, देखना है। ये जो बेल्ट लगी हुई है ये बेल्ट का काम है, देखो तो इसको ऐसे करेंगे, ये एक बेड हो गया, ये दो बेड हो गए, दो बंदे आराम से सो सकते हैं, कंफर्टेबल राइड मैन। टीम वालों के लिए जब हम अकेले होते हैं तब इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ती। तो गद्दा भी पीटर बेल्ट का है, ऐसी वैसी बात नहीं है, देख लो एक बार पीटर बेल्ट। तो ये साइड हो गई, ये जो कवर लगा हुआ है ना ये यहाँ से स्विच बटन है, और इसके अंदर मैं रखा हुआ हूँ, देखो ये पूरा बॉक्स है, और बॉक्स के अंदर है पानी, बैग, इस पे आप कुछ भी रख सकते हो, आपकी मर्जी है। और इसके नीचे आती है फ्रिज, ये देखो, और फ्रिज में अपना सामान लगा हुआ है। बेड के उस पार भी देखो वो बॉक्स बने हुए हैं, इन बॉक्सेस में आप अपना सामान टका सकते हो, यहाँ पे चार्जिंग केबल लगी हुई है। तो जो बॉक्स आपने बाहर देखा था ना, जैसे मैंने बताया था कि मेरा बेड भी दिख रहा था और पूरा लंबा का लंबा बॉक्स था, वो अंदर से भी खोलता है, बाई चांस उधर से कोई चीज बहुत आगे चली जाती है ना तो उसको यहाँ से खोलते हैं ट्रक में से। ये देखो रेड स्विच लगा हुआ है ना, रेड स्विच को ऐसे करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, और ऐसे इसको उठा सकते हैं। ये भी बॉक्स है, वो सामने इसके इन्वर्टर, और ये माइक्रोवेव है। ये ट्रक में एक ही चीज की कमी है कि माइक्रोवेव ऊपर रखने के लिए कोई भी बॉक्स नहीं बनाया, और नीचे अपना पड़ा हुआ है चूल्हा जिसमें हम रोटियां गर्म करते हैं, और ये इन्वर्टर, इसमें दो प्लग लगे हुए हैं, इस पे कोई भी चीज आप लगा सकते हो 12 वोल्ट वाली। इसके कपड़े पहना देते हैं नहीं तो फिर ये गुस्सा हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही चीज के आए थे कि ट्रक जो है ना -40 में स्टार्ट कैसे होता है। तो जो मैंने आपको सिस्टम दिखा दिया था, बाहर रेगो मास्टर लगा था, उसका कंट्रोल करने वाला सिस्टम कौन सा है, ये यहाँ से हम इसको कंट्रोल करते हैं। अभी 50 पे सेट किया हुआ है, यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा होता है, यहाँ से ज्यादा कर सकते हैं हम लोग, जितनी ज्यादा ठंड है उतना ज्यादा टेम्परेचर होता है। यहाँ पे फैन की स्पीड, ये होता है APU जो हीट चलाता है और अपने ट्रक को गर्म रखता है, और ये वाला फंक्शन है ना ये तभी काम करता है जब ट्रक स्टार्ट होता है। हीट है, ये सब कुछ है, पीछे वाला चार्जिंग प्लग है, ये है रेड बुल, कभी कभी हम रेड बुल भी पी लेते हैं, ये हमारी लाइट पड़ी हुई है, जब रात को सोना होता है ना तो ऐसे ही पर्दे बंद, और ये नीचे तक लॉक लग जाता है इसका, तो ये वाला कमरा जो है ना वो अलग हो जाता है, आगे वाला कमरा अलग हो जाता है, तो इसकी जो हीट है ना इसमें ही रहती है। कहीं ऐसी जगह में पड़े हो सामने सूरज आ रहा है तो फिर सूरज अंदर नहीं आता, तो ये बंद का बंद रहता है। बॉक्स है जैसे घरों में होता है ना, घरों में ऐसे
देखो ये है, इसके अंदर मसाले वगैरह पड़े हुए हैं, ये चाय वगैरह का सामान है, ये नूडल वगैरह इन केस एमरजेंसी में हमको जरूरत पड़ती है, तो थोड़ा बहुत सामान हम यहाँ पे रख लेते हैं। ये बॉक्स है, इसमें टॉवल पेपर पड़े हुए हैं, ये मैट को यहाँ पे बिछा के हम खाना खाते हैं, क्योंकि ये जो गद्दा है ना, अगर हम इसके पे ऐसा ही खाना खाएंगे तो फिर पूरे जो सब्जी वगैरह के दाग होते हैं ना, वो नीचे लग जाएंगे, पूरा गंदा हो जाएगा और बहुत बुरा लगेगा। ये हो गया पूरा अपना पीटरबिल्ट का 579 का पूरा मैंने टूर दे दिया है। ट्रक पुराना हो चाहे ट्रक नया हो, लेकिन अगर आपके दिल में जज्बा है ना ट्रक चलाने का, तो ट्रक बस अच्छा चलना चाहिए रोड के ऊपर। ये जो अभी आपको आवाज आ रही है ना, ये पंखा चल रहा है, हीट वाला पंखा, अभी हीट शो रहा है, 50 पे हीट सेट की हुई है ना, तो ट्रक की जब चाबियां बंद कर देते ना, तो ये खुद ब खुद चालू हो जाएगा। वो रिग मास्टर जो है ना, वो तभी स्टार्ट होगा टेम्परेचर ज्यादा डाउन हो जाता है या बैटरियां डाउन हो जाती है। अगर आपको पीटरबिल्ट का टूर अच्छा लगा है, लाइक कर देना और कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करो कि आपको वीडियो में से कौन सा पार्ट अच्छा लगा, कौन सा पार्ट बुरा लगा। कमेंट जो है मैं आपके सारे रीड करता हूं। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, किसी की सोच हम बदल नहीं सकते। जो आदमी कर रहा होता है उसको मालूम होता है, या उसके ऊपर वाले को मालूम होता है कि उसके दिल में क्या चल रहा है, तो बंदा बंदे के दिल में घुस के नहीं देख सकता। कई चीजों का, कई मुद्दों का हम बिना जाने बिना बात किए हम उसका रिजल्ट निकाल देते हैं एक चीज देख के। तो ये हर एक की अपनी अपनी थिंकिंग है। वीडियो अच्छी लगे सब्सक्राइब करना, रब रखा। जब भी ब्लॉग शुरू होता है, जब भी ब्लॉग एंड होता है, तो पंजाबी क्यों बोलता हूँ, क्योंकि मैं पंजाबी हूँ। हिंदी क्यों बोलता हूँ, क्योंकि अपने भाई लोगों को समझ लग जाए कि हम क्या बोलना चाहते हैं। पंजाबी हैं, पंजाबी रहेंगे। तो मिलते हैं किसी ऐसी अच्छी सी वीडियो में, तिल देन रब रखा। I only wanna fall in love once with an old school girl.